देख रहे हैं कैसे डंडे वाले वीर सारे इकट्ठे हैं और इनकी वीरता की स्याह कहानी सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही है कि कैसे इन्होंने जमकर चलाए डंडे थप्पड़ मुक्के। दरअसल ये वायरल तस्वीरों की स्टोरी जुड़ी है गाजियाबाद से, जहां गजब मार हो गई एक होटल में। मसूरी थाना इलाके के गोविंदपुरम के इस होटल में एक पार्टी चल रही थी। मेहंदी सेरेमनी का फंक्शन था, मेहमान आए हुए थे सज धज कर, खाना पीना डांस सब था, मतलब मामला पूरा टाइट, पार्टी का खुमार एकदम हाई। लेकिन तभी इसमें पड़ गया बड़ा वाला खलल और शुरू हो गया ये युद्ध, और युद्ध के पीछे की वजह था मुआ डीजे। जी, सारी मारा मारी बहसा बहसी डीजे के लिए, जहां जमकर पांव थिरकाए जा रहे थे, हाथ घुमाए जा रहे थे, लेकिन क्या पता था किसी डीजे के बंद हो जाने पर ऐसे हाथ घूमेंगे मार पिटाई के लिए। दरअसल बताया जा रहा है कि देर रात तक डीजे बजाने को लेकर होटल स्टाफ और मेहमानों में ये विवाद हुआ। पीड़ित परिवार का आरोप है कि डीजे बजाने के विवाद को लेकर होटल में मौजूद स्टाफ और बाउंसर्स ने पार्टी में शामिल होने वाले लोगों से मारपीट शुरू कर दी। देर रात बेखौफ स्टाफ और बाउंसर्स लाठी डंडे लेकर पहुंच गए, जो इन तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है। वीडियो में महिलाओं की चीख पुकार की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। वो इस झगड़े को रोकने के लिए कह रही हैं। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और देखिए कि कैसे पुलिस के सामने भी ये झगड़ा जारी रहा। वहीं पुलिस के मुताबिक इस मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वीडियो के जरिए बाकी लोगों की शिनाख्त की जा रही है। होटल में पार्टी के दौरान कुछ झगड़ा हुआ है सर, क्या मामला है सर ये पूरा? देखिए, ये थाना मसूरी के ग्रैंड आयरिस होटल का मामला है। इसमें रात्रि 2 बजे के आसपास में एक कॉकटेल पार्टी हो रही थी, तो जिस शादी के इस पार्टी में जो भी लोग थे उन्होंने ज़्यादा समय तक डीजे बजाने की मांग की, लेकिन उस पर होटल के मालिकों के द्वारा आपत्ति की गई। उसी बात ने विवाद बढ़ा और होटल मालिक और उनके लगभग 15 से 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। उन लोगों ने जो पार्टी के लोग थे, जो भी वहाँ पे मेंबर्स आए हुए थे सेलिब्रेट करने के लिए, उनके साथ लाठी डंडों से मारपीट की है। इसका वीडियो भी संज्ञान में आया है और सभी लोगों को चिन्हित कर, उसमें अभी तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। बाकी अन्य लोगों को वीडियो के आधार पर चिन्हित कर विधिक कार्रवाई की जा रही है और इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। तो भैया, ये भी बताया जा रहा है कि इस डीजे संग्राम में कई लोगों को चोटें आई हैं, उन्हें हॉस्पिटल तक ले जाना पड़ा। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए लॉ एंड ऑर्डर पर तंज कसा, मजे लिए। वैसे इस घटना पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। गाजियाबाद से मयंक गौड़ की रिपोर्ट, यूपी तक।